गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज पल्लवी सांबारे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन एंड अनसाइन नंबर हमने पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ साइन एंड अनसाइन नंबर। तो आप सभी को पता ही होगा तो डिवीजन परफॉर्म करना है तो उसके लिए क्या क्या लगने वाले हैं हमारे डेटा। तो डिवीजन परफॉर्म करना है तो हमें डिवीजर पता होना चाहिए, उसका क्वेश्चन पता होना चाहिए। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर भी चाहिए हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिवीजन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे एक फाइल होंगी मेरी, यहाँ पे मैंने फाइल एक ठीक है, मैं ऑलरेडी मेरी फाइल बन चुकी है तो मैं वही फाइल ओपन करती हूँ यहाँ पे डिवीजन के लिए। ठीक है, सॉरी ये फाइल नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको अभी प्रोग्राम करके बता देती हूँ। एक न्यू फाइल ओपन करती हूँ, ठीक है, डॉट मॉडल स्मॉल, ठीक है, उसके बाद डॉट डेटा, डॉट डेटा कौन कौन सा डेटा हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हमें डॉट डेटा लगता है, डॉट डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें डॉट डेटा में क्या क्या परफॉर्म करना है, क्या क्या लगने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब डॉट डेटा में हमें क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड डिविडेंड DW 0 0 1 2 3 H, ठीक है, उसके बाद डिवीजर चाहिए, डिवीजर डिवीजर DB 12 H, ओके, उसके बाद क्वेश्चन निकालना है तो क्वेश्चन चाहिए DB, इनिशियलाइज किया मैंने यहाँ पे 0, उसके बाद रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर मैंने DB यहाँ पे इनिशियलाइज किया एज अ 0। ठीक है, अब डॉट कोड चाहिए, डॉट कोड में हमें लिखना है, इनिशियलाइज करना है हमें AX@data, इनिशियलाइज करना है डेटा सेगमेंट को तो MOV ADS AX, या ये दो लाइन हमारी इनिशियलाइजेशन की होती है। MOV AX DIVIDEND की जो भी वैल्यू है वो हमें हमारे AX रजिस्टर में कॉपी करनी है। उसके बाद DIV इंस्ट्रक्शन का हमें यूज़ करना है फॉर अनसाइन नंबर करने के लिए, अनसाइन नंबर परफॉर्म करने के लिए हमें DIV नाम का इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें क्वेश्चन निकालना है, दो वेरिएबल हमें MOV question, AL, MOV reminder, AH, उसके बाद AND क्या क्या हमने डेटा में क्या क्या है, डिविडेंड चाहिए, ठीक है, और एक डिविजर चाहिए। डिविडेंड और डिविजन से हमें क्वेश्चन भी निकालना है और रिमाइंडर भी निकालना है। तो नॉर्मली हम डिविजन जो परफॉर्म करते हैं वही हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। उसके बाद हमने इनिशियलाइज किया डेटा सेगमेंट को MOV AX DIRECT DATA MOV DS AX, उसके बाद हमने डिवाइड वन वर्ड बिट बाय बाइट। तो हमने क्या किया, डिविडेंड जो है हमारा उसमें जो वैल्यू है डिविडेंड की वो हमने AX रजिस्टर में मूव की। उसके बाद जो AX रजिस्टर में डिविडेंड है उसको मुझे डिवाइड करना है बाय यूजिंग डिविजर से। तो जो भी क्वेश्चन हमारा आएगा वो AL में स्टोर हो जाएगा। तो AL में से जो भी क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए और जो रिमाइंडर है वो हमारे रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। यह सिंपली हमारा अनसाइन नंबर का प्रोग्राम है। ठीक है, पहले सेव कर लेते हैं हम प्रोग्राम को। div.asm file, फाइल को पहले क्लोज एक्सेस करते हैं। यहाँ से टासम डीव, ठीक है, उसके बाद टीलिंग परफॉर्म करते हैं डीव, उसके बाद TD परफॉर्म करते हैं div.exe फाइल। ठीक है, यहाँ पे हमारा
पहले दो जो लाइन होती है वो आपको पता ही है क्या होती है इनिशियलाइजेशन करने के लिए। उसके बाद डिव ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, उसमें एल में जो भी हमारा क्वेश्चन है वो कितना आया 310, और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आया, मतलब हमारे क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आई, क्वेश्चन 310 ये हमारा आंसर है। तो ये है हमारा अनसाइन नंबर का डिवीजन ऑपरेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइन नंबर का डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं। फॉर एट, यहाँ पे 8-bit वगैरह कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे डायरेक्टली डिविडेंड हमारा 16-bit का रहता है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे 8-bit में। तो ये सिंपली हमारा अनसाइन नंबर का बाय यूजिंग डिव इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने आज प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे साइन नंबर का आईडीयू इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।